हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार फाइनली आज आप लोग सामने देख पा रहे हैं बजाज आरी कॉम्पैक्ट का इलेक्ट्रिक वर्जन। और ये इलेक्ट्रिक ऑटो आप लोगों का अगले साल यानी कि 2023 में लॉन्च होगा। लेकिन भाई अब अगले साल आप लोगों को मिलेगा क्या क्या इस इलेक्ट्रिक ऑटो में, वो सारा आज मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूं। तो डायमेंशन वाइज, लुक वाइज, पूरा जो आप लोगों का अभी आरी कॉम्पैक्ट आता है, पेट्रोल, डीजल या सीएनजी या एलपीजी ले लो, उन सब जैसा ही रहने वाला है। जैसे कि आप लोगों की जो लेंथ है, लंबाई वो रहेगी 8.6 फीट, चौड़ाई रहेगी 4.2 फीट, और जो आप लोगों की हाइट रहेगी वो रहेगी 5.5 फीट की, और 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो सामने से कुछ इस तरह का लुक आएगा, जिसमें कि हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो वो आप लोगों के हेलोजन रहने वाले हैं। उसके चारों तरफ यहाँ पे आप लोगों को प्लास्टिक में ब्लैक की कवरिंग मिल जाएगी। नीचे तरफ आप लोगों को जो डोर्स मिलते हैं पूरी मेटल में रहने वाली है, और ऊपर यहाँ पे आप लोगों को जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो भी यहाँ पे हेलोजन में रहेंगे। उसी के पास आएगा यहाँ पे वाइपर और नंबर प्लेट। नाउ साइड प्रोफाइल की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आप लोगों को बता दी, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और यहीं पे आप लोगों को मैं एक बार दिखा देता हूँ कि चार्ज कहाँ से करना है इसे। तो जहाँ पे अपना पहले पेट्रोल या सीएनजी का आता था ना, वहीं पे यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग के लिए दे रखा है। और अगर टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो वो आप लोगों को इसमें 120/80R12 का स्टील रिम मिल जाता है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो पीछे से कुछ इस तरह का लुक आता है, जिसमें कि एकदम सेंटर में यहाँ पे आप लोगों को इंजन कंपार्टमेंट मिल जाएगा। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसमें इंजन नहीं आता, तो यहाँ पे आप लोगों को मोटर मिलेगी। उसी के लेफ्ट और राइट साइड आप देख पा रहे यहाँ पे टेल लाइट्स मिल जाती है, वो पूरी आप लोगों की हेलोजन में रहेगी। और नीचे यहाँ पे व्हाइट कलर में आप लोगों को मेटल का बंपर मिल जाएगा, और राइट साइड आ जाएगी अपनी यहाँ पे नंबर प्लेट। मेन जो चेंज आता है ना, वो आता है इसके अंदर की तरफ, वहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये है इसका पैसेंजर एरिया यानी कि सेकंड रो। यहाँ पे अगर स्पेस की बात की जाए तो स्पेस आप लोगों को एग्जैक्टली सेम ही मिलता है जितना कि आज के डेट में बजाज जो पेट्रोल या सीएनजी वाले ऑटो आ रहे हैं ना, सेम उतना ही। और ये है इसका सामने वाला एरिया, यहाँ पे आप लोग ना काफ़ी सारे चेंजेस देखेंगे। एक तो मुझे मटेरियल यूज़ किया है यहाँ पे, जो प्लास्टिक आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। स्पीकर ग्रिल यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाते हैं वाइपर्स और लाइट्स के कंट्रोल। ऊपर तरफ आप लोगों को यहाँ पे लोकेबल एरिया मिलता है, जहाँ पे कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, और इस तरह की नॉर्मल कीज आती है इसके साथ। अब ये है भाई इसका पूरा मीटर, जिसमें यहाँ पे आप लोगों को अब डिजिटल मिलता है, लेफ्ट और राइट दोनों डिजिटल मिलते हैं। राइट वाला यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह का मिलता है, जिसमें कि मैं एक बार ऑन करके दिखाऊंगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं। और लेफ्ट वाला मीटर यहाँ पे आप लोगों को ड्राइव मोड यानी कि फॉरवर्ड है, रिवर्स है या न्यूट्रल है, वो बैटरी परसेंटेज कितनी है, स्पीड कितनी है आप लोगों के ऑटो की, कितना चल चुकी है और टोटल अभी है और कितना चल सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। और अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पे आप लोगों को 120 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी सिंगल चार्ज में, और बैटरी को पूरा चार्ज होने में लगेंगे 4 घंटे टोटल। अब बैटरी में फास्ट चार्जिंग आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं हूँ, और कितने किलोवाट की आप लोगों को इसमें बैटरी मिलेगी उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। हाँ, प्राइसिंग का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 3.5 लाख के अराउंड रहने वाली है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं आप लोग से मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।